Let's proceed the story. So Naushadappan said, "There is nothing wrong in studying or wanting to be a rocket scientist," said Naushadappan. Naushadappan ने कहा कि रॉकेट साइंटिस्ट बनना और उसके लिए स्टडी करना इसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेट हिम डू वॉट ही वॉन्ट्स. दामू वॉज वोकन अप एट 3:30 AM विद हिज आईज स्टिल गम्ड विद स्लीप. He buttoned a shirt and followed his father. और एक बार तकरीबन 3:30 बजे दामू उठा, उसको जगाया गया. विद हिज आईज स्टिल गम्ड विद स्लीप, और उसकी आंखों में अभी तक चिपचिपाहट थी, वो नींद की हालत में था. उसने इसी कंडीशन में एक शर्ट पहना और अपने फादर के साथ साथ चल दिया. देर वॉज नो पॉइंट इन प्रोटेस्टिंग, नो पॉइंट in pretending to be dead and hoping that they would leave him and go. और यहाँ कोई मौका नहीं था कि दामू बहाना बना के रुक जाता या फिर वहाँ चलने से मना कर देता. द फैमिली काउंसिल हैड डिसाइडेड दैट दे वुड हैव टू बी फॉर्म विद हिम. और फैमिली मेम्बर्स ने स्पेशली अरविंदन, उनके अंकल, और सुधा कृष्ण जो उनके फादर हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि दामू को रिस्पॉन्सिबल बनाना ही होगा एंड विल नॉट लीव हिम हियर. द फैमिली काउंसिल हैड डिसाइडेड दैट दे वुड हैव टू बी फर्म विद हिम टू मेक हिम रिस्पॉन्सिबल. अ सैम्पल ऑफ इट वॉज द अटेम्प्ट टू टीच हिम हिज वोकेशन. वोकेशन मीन्स प्रोफेशन. बाय टेकिंग हिम फिशिंग एट द अनअर्थली आवर्स दैट फिशरमैन आर यूज टू. और इतनी जल्दी उठाने का रीज़न ये भी था कि दामू को अपने साथ ले जाकर फिशिंग सिखाई जाए, जो कि उनका पैटर्नल प्रोफेशन है, ताकि दामू भी अपने पेरेंट्स की तरह और अपने अंकल जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं उनकी तरह जिम्मेदार बने. इट वॉज पिच डार्क आउटसाइड. बाहर बहुत घना अंधेरा था. बट देर वॉज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल, यानी आना जाना था, आमद और रफ्त थी लोगों की. ऑन द सी शोर, यानी द बीच एरिया, किनारा, समुद्र का किनारा, सी शोर, विद बोट्स बींग ड्रैग एंड लैंटर्न्स डांसिंग इन द डार्क एज द फिशर फॉक वॉक्ड अराउंड. 3:30 बजे थे, लेकिन फिर भी बाहर काफ़ी हलचल थी, लोग आ जा रहे थे, चहल पहल थी, और अपनी बोट्स को खींच रहे थे और अपने काम पर लग चुके थे. उनके हाथों में लैंटर्न्स थी, लैंप थे. द लाइट ऑफ द लैंटर्न्स हैड सेट दामू ऑफ, और इसकी वजह से दामू को काफ़ी परेशानी हो रही थी. द कैव वॉज लिट बाई अ लाइट दैट सीम टू कम फ्रॉम द माउंटेन ऑफ कॉइन्स दैट वर फाइल्ड अप. और एक रोशनी जो कि केव की तरफ से आ रही थी. द कॉइन्स थ्रू अ शार्प लाइट ऑफ देयर ओन दैट टच्ड द सीलिंग ऑफ द ह्यूज केव. और उस गुफा में, माउंटेन में, जो माउंटेन में ही एक गुफा बनी हुई थी, वहाँ पर कॉइन्स का, मेटल कॉइन्स का एक ढेर था, पाइल, यानी एक ढेर माउंट था, और जिससे रोशनी टकरा कर सीधे उनकी आँखों की तरफ आ रही थी. द कॉइन्स थ्रू अ शार्प लाइट of their own that touched the ceiling of the huge cave. Damu discarded his lantern. Damu ne apni lantern ko bujha diya. There was no need for light here. Aur yahan light ki koi zarurat nahi hai, aisa Damu ne kaha. Moreover, he needed both hands to shovel in as much gold as he could into. Aur Damu apne dono haath bandh kar khada ho gaya. A sharp pog on his head and he was back on the shore. और इसी दौरान उसको पीछे से किसी ने पॉक किया, यानी उसको अलर्ट किया, जगाया या काम करने के लिए तैयार किया, उकसाया, और वापस दामू काम पे लग गया. हेल्प योर फादर पुश द बोट. और ये अंकल ही थे जिन्होंने आकर कहा कि अपने फादर की हेल्प करो बोट को पुश करने में. सेड सुधाकरण
सुधाकरण उनके अंकल हैं जबकि अरविंदन उनके फादर हैं। दामू वॉज हैप्पी टू सी नौशादप्पन। नौशादप्पन कौन है? तकरीबन 80 या 90 साल के बुज़ुर्ग जो कि समझा रहे थे नौशादप्पन अंकल सुधाकरण और अरविंदन को। ये कह रहे थे कि तुम्हें दामू से बात करनी चाहिए कि वो आखिर चाहता क्या है, उसकी लॉन्गिंग्स क्या हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, वो करना क्या चाहता है। एनीवन बेटर देन दीज टू बैड टेम्पर्ड मैन। नौशादप्पन काफ़ी खुश थे। एनीवन बेटर देन दीज टू बैड टेम्पर्ड मैन। और नौशादप्पन अंकल जो हैं उनके साथ में दामू भी काफ़ी फमीलियर महसूस कर रहा था, बिकॉज़ दोनों जो हैं सुधाकरन और अरविंदन उन जो कि बैड टेम्पर्ड हैं, जिनका मिजाज ज़रा गर्म किस्म का है, उनसे तो दोनों उन दोनों से तो अच्छे नौशादप्पन हैं। दे रोड फार इन टू द सी। दे मे बी दामू एंड नौशादप्पन दोनों ने मिलके बोट को आगे बढ़ाया रोइंग की। दे रोड फार इन टू द सी मच टू द सरप्राइज ऑफ सुधाकरन एंड अरविंदन। और दोनों ने बोट चलाना शुरू की जो कि सुधाकरन और अरविंदन दोनों के लिए सरप्राइजिंग था। दामू रोड वेरी वेल और दामू ने नाव को चलाने का काम काफ़ी अच्छे से अदा किया। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर दे आर ड्रैगिंग देयर बोट इन टू द सी। ऑल ऑफ देम आर बिजी इन देयर वर्क। ऑल ऑफ देम आर फिशरमैन। दे आर कैचिंग द फिशेज हियर। वेल दामू वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ स्नैक बोट रेस। उन दोनों ने महसूस किया, देखा कि दामू एक स्नैक बोट जो कि आगे से पॉइंटेड हुआ करती है उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। ही वॉज नेक टू नेक विद द बोट फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ टू हिम इफ ही वॉन। और दामू जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आने वाली बोट उससे नेक टू नेक यानी उसके बराबर उससे आगे निकलने की कोशिश में चल रहा था और ये उसके लिए जैसे कि जिंदगी और मौत का खेल बन गया हो। ही वॉज सो मच इंडल्ज इन दैट रेस। वट डू यू सी इन द वॉटर? अ क्वावरिंग वॉइस रेज दामू फ्रॉम हिज रेवरी। और अगेन यहाँ पर भी दामू ने ड्रीमिंग करना शुरू कर दिया, जबकि इसको फिशिंग के लिए लेके आ गए थे अंकल सुधाकर अंकल अरविंद सुधाकरन और अरविंदन। लेकिन यहाँ पर भी दामू ने ड्रीमिंग करना शुरू कर दिया। और ड्रीमिंग क्या थी? वो उन बोट्स को देखकर एक स्नैक बोट रेस में शामिल हो गया, अपने ही ख्यालात में ख्याली पुलाव बना रहा है कि वो एक बोट रेसिंग में शामिल है और उसमें उसको जीतना है, आगे निकलना है। और वो इसी ड्रीम में इसी ख्वाब में गुम था, महव था कि एक आवाज़ आई। शेकिंग वॉइस क्वेवरिंग मीन शेकिंग, हिलती डुलती आवाज़। अ क्वेवरिंग वॉइस राउज्ड दामू फ्रॉम हिज रेवरी। रेवरी मीन्स डे ड्रीमिंग। वेल वॉटर रिप्लाइड दामू। दामू से पूछा तुम पानी में क्या देखते हो? दामू ने क्या जवाब दिया? वाटर ओनली वाटर। नो वॉट डू यू सी रियली वॉट डू यू रियली सी लेकिन तुम वास्तव में हकीकत में क्या देखते हो? इंसिस्टेड नौशाद। नौशाद अंकल ने जोर दिया, पूछा कि तुम रियली क्या देखते हो पानी में? दामू श्रग्ड हिज शोल्डर वेरीली। और इस पर दामू ने अपने कंधे हिलाए सिर्फ और कुछ जवाब नहीं दिया। आई सी डिफरेंट थिंग्स। और बाद में रुक कर कहा होगा आई सी डिफरेंट थिंग्स व्हेन आई लुक एट वाटर। मैं पानी में बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, अलग अलग किस्म की चीज़ें। सेड द ओल्ड मैन विद अ चकल। सॉरी इट वॉज सेड बाय नौशाद अंकल नॉट बाय दामू।
नौशाद अंकल ने कहा, आई सी डिफरेंट थिंग्स व्हेन आई लुक एट वाटर। मैं जब पानी में देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर द सन इज़ पोजिशन, और ये डिपेंड करता है कि सूरज कहाँ चमक रहा है। फॉर इंस्टेंस, वेन इट्स नून, जब ये दोपहर का वक्त होता है, देन आई डोंट सी द वाटर, मैं पानी को नहीं देख पाता। द ग्लिटर ऑफ द सन ऑफ द वाटर सीम्स लाइक गोल्ड दैट आई कैन कलेक्ट। और जब सूरज की किरणें सीधी पानी पर पड़ती हैं तो ये सूरज की तरह, सोने की तरह चमक उठता है, जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ। वेन आई सी द वाटर वेन द सन इज़ अबाउट टू सेट, और जब सूरज डूबने वाला होता है, सनसेट के वक्त जब मैं देखता हूँ, आई फील वार्म, मुझे गर्माहट का एहसास होता है। द वाटर हैज़ एब्जॉर्ब द सन्स हीट, और ऐसा लगता है मानो पानी ने सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया हो, खींच लिया हो, रॉब्ड, चुरा लिया हो द सन ऑफ इट्स फियर्सनेस, एंड नाउ इट्स वॉश्ड बॉडी इज़ वार्म एंड हैवी लाइक स्वीट हनी। और सूरज की रोशनी, सूरज की जो तपिश है, उसको खींच लिया है, और सूरज अब एक स्वीट हनी के तौर में बदल गया है। When I look at water, I can see that it's living, interrupted Damu delightedly. और इसी दौरान डामू ने कुछ इंटरप्ट किया, कहा, Especially when I see the water at dawn, मैं जब सुबह के वक्त, जब सनराइज का वक्त होता है, उस वक्त जब सूरज पानी को देखता हूँ, When the sun has not yet draped the colors on her, when the water is transparent, you can see fish. एंड डर्ट एंड लीव्स एंड मोमेंट, और जब पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो उसमें हमें बहुत सारी मछलियाँ नज़र आती हैं। यू कैन सी फिश एंड डर्ट एंड लीव्स, पत्तियाँ जो कि पानी के अंदर होती हैं, और उसमें होती हलचल भी महसूस की जा सकती है। नौशाद स्माइल इन डिलाइट एंड सेड, नौशाद अंकल ने खुशी के साथ में मुस्कुराहट का इजहार किया और कहा, इफ़ यू फाइंड वाटर सो ब्यूटिफुल, वाई डोंट यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जब तुम्हें पानी इतना अच्छा लगता है कि तुम उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत करीब से महसूस करते हो, तो इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल क्यों नहीं कर लेते? आई डोंट वॉन्ट टू ड्रैग द बोट एवरी मॉर्निंग एंड गो फिशिंग, आई हेट इट। दामू ने कहा कि मुझे हर रोज़ सुबह उठना और फिशिंग के लिए जाना, ये चीज़ें मुझे करना अच्छा नहीं लगता। नौशाद वॉज साइलेंट, देन ही सेड, डिड यू नो दैट फिश स्लीप विद देयर आइज ओपन, क्या तुम्हें पता है कि मछलियाँ अपनी आँखें खुली रखकर ही सोती हैं? दामूज फेस लिट अप विद स्माइल, दामू की आँखें चमक उठी और उसने वो मुस्कुराया, यस आई डू, हाँ मुझे पता है, दे हैव नो आईलिड्स, क्योंकि उनकी पलकें नहीं होती। सो ऑब्वियसली दे कांट शट देयर आइज, जब उनकी पलकें ही नहीं हैं तो वो अपनी आँखों को बंद नहीं कर सकती। डिड यू नो दैट ईच आई ऑफ द फिश सीज डिफरेंट थिंग्स, क्या तुम्हें पता है कि मछलियाँ अपनी दोनों आँखों से अलग अलग चीज़ें देख सकती हैं? अब यहाँ पर नौशाद अंकल अलग अलग किस्म की, और जिस चीज़ों में दामू को इंटरेस्ट है, रुचि है, उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं दामू के साथ, ताकि दामू से कुछ बात हो सके, कॉन्वर्जेशन हो सके, और इसीलिए दामू को नौशाद अंकल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय अरविंदन और अपने अंकल और अपने फादर के, जो कि उसे इस फिशिंग के काम में झोंक देना चाहते हैं, और उसकी जो इंटरेस्ट फील है, उसकी हॉबी, उसका शौक, उसकी रुचि जिस काम में है, उसको तवज्जो नहीं देना चाहते। नो आई डिड नॉट नो दैट, वेन द बोट रिटर्न, सुधाकरण हैड अ वेरी गुड हॉल, जब सब लौट रहे थे तो सुधाकरण ने देखा कि उनके पास में काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो गया था। हॉल मीन्स द नंबर ऑफ फिश कॉन, जो मछलियाँ पकड़ी गई थी उन सभी को हॉल कहा जाता है। नौशाद एंड दामू हैड पुट सुधाकरण एंड अरविंदन ऑन द ऑर्स एंड टेकन द नेट्स, और सुधाकरण और अरविंदन ने उनसे, नौशाद एंड दामू हैड पुट सुधाकरण एंड अरविंदन ऑन द ऑर्स
एंड टेकन द नेट्स, और उनसे नेट ली, अरविंदन से और सुधाकरन से मछलियाँ इकट्ठा की, नौशाद अंकल और दामू ने उनकी हेल्प की। देर इज अ होल यूनिवर्स डाउन देयर, पानी के नीचे एक पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, नौशाद टोल्ड दामू। डिड यू नो, वो अपना काम भी करते जा रहे हैं और आपस में बातचीत भी करते जा रहे हैं। देर आर मोर वाटर बॉडीज ऑन अर्थ देन लैंड, और ज़मीन से ज़्यादा वाटर बॉडीज तो पानी में हैं। कैन यू इमेजिन कॉन्टिनेंट्स ऑफ फिश, फिश रूलर्स एंड परहैप्स डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ फिश, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मछलियों के भी अलग कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उनके भी कोई रूलर्स होते हैं और उनकी कम्युनिटीज़ भी होती हैं। इफ़ आई टेक अ फिश फ्राम दिस सी, पुट इट इन अ बॉटल एंड टेक इट टू अनदर सी, अगर मैं इस तालाब से एक मछली पकड़ता हूँ और इसको बॉटल में रख लूँ और इसको दूसरे तालाब में ले जाऊँ, देन दैट फिश वुड बी आइडेंटिफाइड इंस्टेंटली, और उस फिश को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी जो अदर कम्युनिटीज़ की फिश हैं वो उसको पहचान लेंगी, रिकोगनाइज कर लेंगी। फॉरेनर, और उसको क्या समझेंगी, एक फॉरेनर यानी बाहर से आने वाली मछली। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, नॉट नीड टू मेंशन। एज दे टॉक्ड, जब वो बात कर ही रहे थे, द ऑर्समैन, ऑर्समैन कौन होते हैं, जो नाव को चलाने का काम करते हैं, नाव खेने का काम करते हैं। द ऑर्समैन लिसेंड साइलेंटली, और ऑर्समैन इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। दामूज आइज वर बहुत अलर्ट एंड ड्रीमिंग, दामू इन बातों को सुन भी रहा था और वो अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालात में गुम भी था। ड्रीमिंग एज ही टॉक टू नौशाद, द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड मैन ड्रू पिक्चर्स, और जो जो बातें नौशाद अंकल करते जा रहे थे उन सभी की पिक्चर, इमेज उनके सामने बन रही थी। इन द आइज ऑफ द चाइल्ड एंड द टू कॉट फिश प्लेंटी ऑफ इट, और उन दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी मिकदार में मछलियाँ इकट्ठा की। दामूस मदर वॉज एस्टोनिश्ड वैन शी सॉ द अमाउंट ऑफ फिश एट द बेड ऑफ द बॉट, और दामू की मदर ने जब देखा इतनी सारी मछलियों को तो उन्हें एस्टोनिशमेंट हुआ। आई कॉट दैम अम्मा, और दामू ने कुछ अपनी पोजिशन बनाने के लिए कहा कि मैंने पकड़ी हैं सारी मछलियाँ। क्राउड दामू, दामू ने क्राउडिंग करते हुए कहा, क्राउडिंग मीन्स सेड इन ए प्राउड एंड स्लाइटली अनोइंग वे, अपने आप को फख्र महसूस करते हुए कहा कि ये मछलियाँ मैंने पकड़ी हैं, ताकि उनको एहसास हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल बच्चा ही हूँ और मुझे अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। बिगनर्स लक, और इस पर क्या जवाब दिया गया, बिगनर्स लक, ये तो शुरुआत करने वाले का लक है, उसका भाग्य था। मटर्ड अरविंदन अंकल ने कहा, बट ही वॉज स्माइलिंग बीनीथ हिज मुस्टैश, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे अपनी मूछों के नीचे, यानी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। सो वॉज सुधाकरण। आफ्टर एवरीबडी हैड गॉन टू स्लीप, दामूज मदर स्टार्टेड टू डू द डिशेज, और जब सब लोग सोने जा चुके थे तब दामू की मदर ने डिशेज का काम करना शुरू किया, यानी उनको धोना शुरू किया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर शी इज़ वॉशिंग द डिशेज। नाइट टाइम दे आर बिजी इन डूइंग द डिशेज, स्क्रबिंग सैंड एंड ऐश ऑन अ बिग मेटल पॉट। ही सेड, यू आर राइट, योर सन इज़ ऑल राइट, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा लड़का ठीक ठाक है। एंड आई डोंट केयर इफ ही डजेंट वॉन्ट टू बी अ फिशरमैन लाइक हिज अचन। अब एहसास हुआ दामू के फादर को, और आखिरकार उन्होंने कहा कि तुम ठीक कह दी थी कि तुम्हारा बच्चा दामू ठीक है, ऑल राइट है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो फिशरमैन नहीं बनना चाहता अपने फादर की तरह। देव की स्माइल इन द डार्क, देव की जो कि दामू की मदर हैं, उन्होंने मुस्कुराहट दी। डू यू रिमेंबर हाउ वी यूज टू फाइट विद अ मदर्स टू वॉश द डिशेज, तुम्हें याद है कि हम अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते थे डिशेज को धोने के लिए। वो अपनी पुरानी
मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहे हैं। देव की स्माइल एट द मेमोरी। वी फॉट टू स्वीप द फ्लोर टू मेंड द नेट्स। और हम झगड़ा करते थे, काफ़ी एक्साइटेड रहा करते थे फ्लोर को स्वीप करने के लिए, यानी आज मेरी बारी है, आज मैं पोछा लगाऊंगी। और ख़ुद से आगे से चलकर नेट को प्रिपेयर करने के लिए, मेंड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट उन दिनों बच्चों में रहा करता था। वो अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। यस वी वर सिली, बात कर रहे हैं, और कितने नादान थे हम लोग, सेड देव की। नो वी वर नॉट सिली, हम नादान या बेवकूफ़ नहीं थे। वी डिड नॉट सी वर्क एज वर्क, हम काम को काम के तौर पर नहीं देखते थे। वी सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद वाटर, और हम इस काम को काम नहीं समझते थे, हम तो इसको पानी के साथ खेलने का एक मौका मानते थे, अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। यैंकिंग द हैंड पम्प वॉज सच फन, और उसको हैंड पम्प को हिलाना, पानी निकालना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ करता था। वॉचिंग द वाटर गश आउट फ्रॉम द टैप वॉज फन, और नल से पानी निकलते हुए देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था बच्चों के लिए, उनके लिए। स्क्रबिंग मेटल वॉज फन एंड सीइंग इट शाइन वॉज फन, और बर्तनों की धुलाई के बाद उनको चमकते हुए देखना भी बहुत फनी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। देवकी वॉज लिसनिंग। टुडे एन ओल्ड मैन टॉट मी अ फ्यू लेसन्स, एक बुज़ुर्ग ने आज मुझे कुछ सिखाया। आई रियलाइज दैट आई टू वॉज लाइक दामू, मुझे बताया कि मैं भी कभी दामू की तरह ही था। आई हैड ए विविड इमेजिनेशन एंड एवरी थिंग वॉज फन ओनली इफ आई सॉ इट माई वे, और हर चीज़ मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग थी तब तक जब तक उस चीज़ों को मैं अपने तौर पर देखता था। समवन somewhere down the line we grew up and forgot to be amazed by simple things like water and sun, dew drops or a matchstick. लेकिन धीरे धीरे हम बड़े होते चले गए और हमने चीज़ों को amazingly देखना बंद कर दिया, जो कि बहुत नज़दीकी से हम देखा करते थे, जैसे कि सूरज, चाँद, समुंदर का पानी और उसकी बूंदें, मैच स्टिक, हमारे आसपास की चीज़ों को जिनको हम बहुत ध्यान से गौर से देखा करते थे, हमने उन पर तवज्जो डालना बंद कर दिया। जिन बर्तनों को धोना हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, नल से निकलता हुआ पानी देखना हमारे लिए फ़नी इंटरेस्टिंग था, लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता गया ये सारी चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल होती चली गई। देवकी एंड सुधाकरन वॉश द डिशेज इन साइलेंस। आई थिंक ही विल मेक अ गुड फिशरमैन, और मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मछुआरा या फिशरमैन बनेगा, सेड सुधाकरन। आखिरकार सुधाकरन ने कहा यकीन के साथ में, मुझे यकीन है कि दामू एक अच्छा फिशरमैन बनेगा। इट वॉज़ अ स्टोरी बाय विनीता रामचंद्रानी।